आज मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगी जो पिछले वीडियो मैंने अपनी बात जहां खत्म की थी कि बहुत सारी बातों के मायने वक्त के साथ बदल जाते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विद यू ऑल जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। आई विल ऐड लिटिल ड्रामा टू दैट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। आई एम सॉरी फॉर दैट बट स्टोरी इज रियल। 1930 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल ऑफिस का कमरा, वहां पे दो दो एचओडी प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे हैं और एक प्रोफेसर साहब को वहां बुलाया जाता है। प्रोफेसर आते हैं और प्रिंसिपल उनके सामने कुछ क्वेश्चन पेपर्स रख देते हैं और उनसे कहते हैं, प्रोफेसर साहब ये सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और आपको थर्ड ईयर के फिजिक्स के ग्रेजुएट्स के लिए एक पेपर बनाना है। याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेते हैं और चले जाते हैं। फिर क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम का दिन आता है। उनके कलीग्स क्या देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में एक नहीं तीन तीन क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उनको तो बातें बनाने का मौका मिल जाता है। वो कमर कस के फौरन पहुंचते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के कमरे में और प्रिंसिपल साहब को बताते हैं, ये देखिए जिन प्रोफेसर को आप बहुत जीनियस कहते थे, बहुत ही उनको मानते थे, उन्होंने कैसा ब्लंडर कर दिया है, तीन तीन क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया है। प्रिंसिपल साहब थोड़े आग बबूला होते हैं और वो प्रोफेसर साहब को बुलाते हैं। प्रोफेसर साहब अपने हर फन मौला स्टाइल में वहां पे तशरीफ लाते हैं और जब प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं, क्या बात है भाई, आपको इतना जीनियस माना गया था और आपने क्वेश्चन रिपीट कर दिए। प्रिंसिपल साहब के सामने जो प्रोफेसर थे वो आंसर देते हैं कि क्वेश्चन तो सेम है पर आज उन क्वेश्चंस के आंसर बदल गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही पोस्ट कोविड सिनेरियो में बहुत सारी बातों के आंसर्स और बदल जाएंगे और आपको अभी क्या करना है कि ये कौन से प्रोफेसर थे उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए। मैं आपको थोड़े से क्लूज दूंगी। द फर्स्ट क्लू कि ये उन प्रोफेसर की बात है जब वो 4 साल के थे तब उन्होंने पहला फुल सेंटेंस बोला था और वो सेंटेंस था सूप इज हॉट। एंड द सेकेंड क्लू इज He was a Nobel laureate and the other clue, he was a big fan of our Gandhi ji and the last clue, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडी में से उनकी आंख और एक बॉडी ऑर्गन को रिमूव कर दिया गया था। तो अब आप अपना रिसर्च वर्क शुरू करिए, गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में उन प्रोफेसर का नाम लिखना ना भूलिए। थैंक यू।